कहते हैं प्यार में लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार है जहां जान दी नहीं बल्कि किसी की जान ली जा रही है। कौन थी ये महिला और कौन था उसका ये बदनसीब प्रेमी और क्यों ली उसने अपने ही प्रेमी की जान? पंखुड़ी तुम आकर ड्राइवर का गाड़ी रोको ना प्लीज। पंखुड़ी चंबू तुम्हें कितनी बार बोला कि इस रास्ते से गाड़ी मत लेकर जाया करो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कुछ। अगली बार अगर ऐसी गलती हुई तो इस नए रास्ते के साथ अपनी नई नौकरी भी ढूंढ लेना। सॉरी सर। सॉरी सर। जाओ। क्या हुआ, नहीं जाना तो फिर मेरे सॉन्ग वीडियो के ऐप पर फोकस करें। मैं आज मूड नहीं है, रहने देते हैं ना, कल करेंगे प्लीज। मूड नहीं है संदेश, एक बात कान खोल कर सुन लो, कुत्ता और मालिक के रिलेशन में कुत्ता मालिक के मूड के हिसाब से चलता है। नाउ पुट स्माइल ऑन योर फेस और अच्छे से परफॉर्म करो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू गो वायरल। देखना मैं जल्दी ही सॉन्ग डांस ऐप की क्वीन बन जाऊंगी। सो लेट्स डू इट। You try it out. Okay, I'll try. This is right? Mm-hmm. Varsha, you're missing out the note again. So, tumhi yaad dila do na naman? Okay. To pehle, sabse pehle you hold it here. Aur phir agar notes yaad kar hi rahe hain to अच्छे से याद करते। You look beautiful. Thank you. Say. I'll tell you. भाभी नहीं, नहीं वो भाभी आप यहाँ? हाँ शो शुरू होने से पहले ही आ गए। मैंने सोचा कि कहीं टिकट ना खत्म हो जाए। रुको तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। नहीं भाभी प्लीज 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 आप वर्षा के भैया को कुछ मत बताइएगा भाभी प्लीज 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 भाभी सही टाइम आने पर हम दोनों बता देंगे प्लीज भाभी। ठीक है लेकिन तुम ये जो कर रहे थे ना ये अब शादी की बात करना। ओके जी भाभी। बेटा आप पापा को बुआ और नमन अंकल के बारे में कुछ नहीं बताओगे। ओके पक्का? इतनी रात में इस गेटअप में क्या कर रहे हो? आज पता है टीचर ने हमसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि तुम लोग बड़े होके क्या बनोगे? तो मैंने कहा कि मैं बड़ी होके जज बनूंगी। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं कोई से भी मम्मी या पापा में डिवोर्स नहीं होने दूंगी इसलिए।
रौनित। क्या हुआ? रौनित पंखुड़ी अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिल रही मतलब? बाहर गार्डन में खेल रही होगी। मैंने पूरा घर छान लिया, वो कहीं नहीं है। फिर बाथरूम में होगी, मैं चेक करता हूँ। पंखुड़ी, पंखुड़ी। अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 50 लाख तैयार रखना, वरना अपनी बेटी के 50 टुकड़े ले जाना। ओह माय गॉड, पंखुड़ी कौन लेकर चला गया रोने? हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। ये कोई जान पहचान वाला आदमी लगता है। ये देखो पंखुड़ी इसके साथ कितने आराम से बातें करते हुए जा रही है। ये तो वही है, संदेश। क्या? लेकिन वो क्यों किडनैप करेगा? रौनित चलिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, चलो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम संदेश से बात क्यों नहीं करती? रौनित कभी चोर ने अपना गुनाह कबूल किया है? नहीं ना। और ये इंसान मुझे दुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि मेरी बेटी को मार सकता है। चलिए हमें पुलिस के पास चलना चाहिए, चलो पुलिस के पास चलना चाहिए। चलो। हेलो, तो आप कह रही हैं कि आपके पति ये और इस वीडियो में जो आदमी बच्ची को लेके जा रहा है वो आपकी बेटी का पिता है। मैं बात को समझ नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर, पंखुड़ी अंशिका की पहली शादी से है और संदेश पंखुड़ी का पिता है और अंशिका और संदेश का डिवोर्स हो चुका है। और देखिए सर, पंखुड़ी की कस्टडी का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। 2 दिन में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था, जो मेरे हक में था वो केस हार जाता। ये कभी उसके मेल ईगो को मंजूर होता ही नहीं। वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसने हमेशा से मुझ पे शक किया है। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए छोड़ दिया। थैंक यू। ओके टेक केयर। अंशिका, माना कि बेरोजगार हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तू ये सब करे। संदेश, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है भाई, मैं अंशिका को घर पे छोड़ने आया था यार। तो ऑफिस का बॉस या ड्राइवर है जो एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ने आता है? संदेश चल, संदेश छोड़ो मुझे। संदेश क्या कर रहे हो तुम? क्या करेंगे तुम? तुम्हारे रौनित के आशिके का मैसेज चेक कर रहा हूँ, पर वो तो तुम डिलीट कर दी होगी। अभी नौकरी भी डिलीट कर दो, कल से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, समझे? ठीक है, नहीं जाऊंगी। तुम भरोगे पंखुड़ी की स्कूल की फीस, कि तुम चलाओगे घर का किचन? हाँ मैं चलाऊंगा किचन, मैं करूंगा सब कुछ, बस तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अगर तुम कर सकते होते ना तो मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मा पापा लड़ रहे क्यों? टीचर बोलती है लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। हम तुम्हें बात कर रहे हैं बेटा, चलो मंदिर चलते हैं। और उसके बाद मैंने संदेश को छोड़ दिया, मैं पंखुड़ी को लेकर वहां से बाहर निकल गई। उस वक्त रौनित ने मेरा साथ दिया, मुझसे शादी की और पंखुड़ी को भी अपनाया। रौनित जी, अंशिका से आपका प्यार शादी से पहले था या फिर? ये आप कैसे वाहियात से सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर? आप उसको जाकर पकड़िए ना और मेरी बेटी को वापस लेकर आइए ना। देखिए, पुलिस को उसका काम मत समझाइए। आपकी बेटी किडनैप हुई है, उसकी जान को खतरा है। बच्ची को जिंदा ढूंढने के लिए हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। इंस्पेक्टर, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी बेटी का किडनैप संदेश नहीं किया है। उसको कोई और रास्ता दिखा ही नहीं, इसके लिए उसने मेरी बेटी को घर से उठा लिया। तो फिर उसने 50 लाख की फिरौती क्यों मांगी? सर, वो आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। आप उसको जाकर अरेस्ट कीजिए ना, इससे पहले वो कहीं भाग ना जाए मेरी बेटी के साथ। यादव जी,
गाड़ी निकालो। रोनित जी आप हमारे साथ आइए, संदेश का घर दिखाइए। ये वाली अच्छी बनी है। सी? अच्छा अब वो वाली वीडियो बनाते हैं जिसमें छोटा बच्चा वो खाना खिला दे ना छोटे बच्चे को। तुम छोटा बच्चा बनना ठीक है? मैं प्लीज बस करो, सुबह से नाच रहे हैं। संदेश तुम्हें एक ही बात मुझे कितनी बार बतानी पड़ेगी? मुझे दिन के 10 वीडियो बनाने हैं, मतलब बनाने ही है। कल रात भी तुम कहां गायब हो गए थे? देखो आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं डॉल ले लेती हूँ। ये रही, ये डॉल यहां क्या कर रही है? ये तो सुबह से यहीं पे पड़ी थी। हाँ पंखुड़ी, कहाँ तुमने इसको छुपा कर रखा है? मैंने छुपा कर रखा है? क्या कह रही हो तुम, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहाँ है पंखुड़ी? यादव पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। What the hell? ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर आप मेरे घर की तलाशी इस तरह से क्यों ले रहे हो? लिसन मैडम, इनकी बेटी किडनैप हुई है और इनका शक है कि संदेश ने इनकी बेटी को किडनैप किया है। तो पंखुड़ी की डॉल है, इसका मतलब पंखुड़ी यहाँ पर आई थी। प्लीज संदेश मुझे बता दो कहाँ पर है वो। सर पूरा घर छान लिया, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो प्लीज मुझे जाने दो। अगर मम्मा पापा को पता चल गया कि आपने मुझे यहाँ बंद करके रखा है तो लोग आपको पुलिस में पकड़वा देंगे। भाई इधर, बच्चे कहाँ है? इधर बच्चे कहाँ है? हाँ पंखुड़ी कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, सर मैं अपनी बच्ची को किडनैप क्यों करूंगा? तेरी पहली बीवी अंशिका ने बताया मुझे कि तू कस्टडी हारने वाला था, इसलिए कोर्ट की तारीख से पहले ही तूने उसे किडनैप कर लिया। सर मैं कस्टडी हारने वाला था या नहीं इसका फैसला तो जज ही कर सकता है ना। सर अंशिका कैसे कह सकती है कि मैं केस हार रहा था? सर वो बातें बनाने में बड़ी उस्ताद है। हमारे डिवोर्स के पहले भी उसने ऐसे ही कहानी बनाई थी कि मैं उसे मारता हूँ, उसे पीटता हूँ, उस पर शक करता हूँ। पर सच तो यह सर कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसे। संदेश क्या चल रहा है ये सब? रौनक मुझे घर छोड़ने आए थे। तो तुम इसे इस एहसान की कीमत चुका रही थी और क्या क्या चुकाती हो तुम? तुम गलत समझ रहे हो संदेश। चलो अंदर चलो। संदेश मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। मुझे क्या आईने में देखो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी होठों पे ये बिगड़ी हुई लिपस्टिक और तुम बोल रही हो मुझे गलत फहमी हुई है। ये सब करने से पहले एक बार तो सोची होती कि तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, जब उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। कल से तुम उस रौनित के ऑफिस नहीं जाओगी,
बस ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तुम हर महीने मेरे हाथों में लाखों रुपए लाकर रख दो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें सैलरी के नाम पे चंद हजार रुपए मिलते हैं ना, उसे पेट तो भर सकता है लेकिन मन नहीं भर सकता। मन भरने के लिए ना ढेर सारा पैसा चाहिए और वो रौनित के पास है। मम्मी पापा आप लोग झगड़ रहे क्यों हो? टीचर कहती है लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम लड़ कहाँ रहे हैं? हाँ, हम तो आपस में बातें कर रहे हैं। और आपकी टीचर ने क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। ओ मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सिखाया। सर उसके बाद अंशिका मेरी बेटी को लेके रोनित के यहाँ चली गई और डिवोर्स नोटिस दे दिया और फिर डिवोर्स ले ली। जब तेरी बेटी तेरे साथ नहीं रहती थी तो उसकी डॉल क्या कर रही तेरे घर में? सर वो डॉल मैंने नहीं खरीदी थी, पंखुड़ी के लिए। कोर्ट के परमिशन से मैं हर फ्राइडे को मिलता हूँ और उसे नई गिफ्ट भी देता हूँ, इसलिए सर वो डॉल। यार यादव, ये संदेश और अंशिका एक ही स्टोरी के दो वर्जन सुनाकर कंफ्यूज कर रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो बच्ची ही बता सकती है। यादव एक काम करो, रोनित के घर के आसपास का कोई भी एटीएम शॉप जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ है, किडनैपिंग वाले रात की उसकी फुटेज निकालो, वही मुझे बता सकता है कि किडनैपर किधर से आया और किधर गया। राइट सर। So, कौन थी वो? वो वाइफ है मेरी। What? वाइफ? अरे म्यूजिक स्टूडेंट है मेरी, रास्ते में मिली तो लिफ्ट मांग ली। अच्छा पक्का ना नमन? क्योंकि अगर वो तुम्हारी वाइफ निकली ना तो वो बहुत जल्द विधवा होने वाली है, समझे? मेरी शेरनी, शेर के गले में एक फंदा बहुत है, उसको दूसरों की क्या जरूरत। अच्छा या चले या लेट्स गो। टाइट पकड़ो या पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। रौनित आप कुछ करिए ना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। टेंशन मत लो अंशिका, पुलिस ने संदेश को पकड़ लिया है, बहुत जल्दी पंखुड़ी का भी पता चल जाएगा। हेलो, लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है, वरना पुलिस के पास जाने की गलती नहीं करते। देखो मेरी बेटी को कुछ मत करना। जब तुम्हारी बेटी के टुकड़े तुम्हारे घर पार्सल करूंगा ना तो पार्सल पे नाम पढ़ लेना। देखो तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। पैसे का इंतजाम कर, सिर्फ एक दिन है तेरे पास। और पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नहीं? नहीं, हेलो हेलो हेलो। अगर संदेश जेल में है तो फिर ये कॉल किसने किया? भैया हो सकता है ना कि उसके साथ कोई और आदमी मिला हो और उसने कॉल किया हो। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे रौनित। अंशिका आओ, डोंट टेक टेंशन। कैसी है भाभी अब? भैया ठीक है अभी। भैया मुझे वो नमन सर की फीस देनी है। मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। बोला ना ट्रांसफर कर दूंगा। पर आप कभी मुझे या भाभी को कभी हाथ में पैसे क्यों नहीं देते? हाथ में पैसे देना जरूरी है क्या? मैं तुम लोगों की हर जरूरत पूरी करता हूँ और इस समय वैसे भी मैं और तुम्हारी भाभी बहुत टेंशन में। प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट। भैया
अंकल अंकल प्लीज मुझे जाने दो। कल कोड में जज अंकल मम्मी या पापा दोनों में से एक को मेरे को दे देंगे, पर मुझे दोनों के साथ रहना है और यही बात मुझे जज अंकल से भी कहनी है। लगता बच्चा तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार ही नहीं करते, पैसे दे जाएं तुमको लेके जाएं। हाँ, पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को माँ बाप से अलग कैसे करें? वो क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची इन दोनों की लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगी? और कहानी की शुरुआत में हमने जो हत्या देखी थी, कहीं उसका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना तो नहीं? कौन थे वो दो प्रेमी जिनमें एक शिकारी और दूसरा उसका शिकार बना? हेलो, साइन करो। देखो संदेश, तुम्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पंखुड़ी की किडनैपिंग तुमने की है तो। हेलो इंस्पेक्टर, संदेश ने कुछ नहीं किया, he is innocent। अंशिका ने इसे फंसाने के लिए ये सब किया है। चलो संदेश। तो ये देखिए, मेरी जान मेरा हबी अब बाहर आ चुका है, जिसे पुलिस ने एक झूठे केस के इल्जाम में अंदर कर दिया था। तो आइए मेरी जान से ही पूछते हैं कि उनके अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जान बोलो ना, जान बोलो ना, संदेश बोलो ना। अंशिका ये लो 40 लाख रुपए, बाकी के 10 लाख 2 घंटे में आ जाएंगे। इसको देके पंखुड़ी को छुड़ा लो। आप क्या ढूंढ रहे हो अनंत? कुछ नहीं, वो गाड़ी के पेपर ढूंढ रहा हूं। ये किसका फोन है? 9870। ये तुम्हारा नंबर है ना? मेरा नंबर? 9:15, इसी समय तो किडनैपर का भी फोन आया था। इसका मतलब तुमने अपनी ही बेटी को किडनैप करवाया ना? मुझसे पैसे हटने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? रौनक, आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी ही बेटी का किडनैप कराऊंगी? माना कि आप हमें पैसे नहीं देते, लेकिन मैंने कभी आपसे मांगे भी नहीं है। जितना है मैं उसमें खुश हूं। और याद कीजिए, उस रात को मैं नींद की गोली खाकर सोई थी, मैं पंखुड़ी को कैसे किडनैप करूंगी? तो फिर कौन हो सकता है? मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। वो क्या? वर्षा और उसके म्यूजिक टीचर है ना नमन? भाभी नहीं, वो रुको, तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। प्लीज भाभी अभी मत बताइए, सही टाइम आने पर हम दोनों बता देंगे। प्लीज भाभी। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ रौनक। उस दिन पंखुड़ी भी मेरे साथ में थी, और अब मुझे लगता है कि कहीं उन दोनों ने तो पंखुड़ी का। भैया मुझे वो नमन सर की फीस देनी है। मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। बोला ना ट्रांसफर कर दूंगा। मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। Thank you.
ये तुम्हारी बदतमीजी का जवाब है जो तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन में भी वहीं के वहीं दे सकती थी, लेकिन अब हम वीडियो बनाएंगे। हाँ, तुम पागल हो गई हो, यहाँ मेरी बेटी गायब है और तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है पुलिस स्टेशन में तुम्हारी जमानत में कितने पैसे मैंने खर्च किए हैं? और तुम्हारे खर्चे भी मैं ही उठाती हूँ, और बदले में क्या मांगती हूँ? सिर्फ दो चार वीडियोस? मैं तुम जितना वीडियो बोलोगी मैं सब बनाऊंगा, पर अभी मेरे लिए मेरी बेटी इंपॉर्टेंट, प्लीज। अगर तुमने ये दहलीज पार की ना, तो ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आज तुम्हें फैसला सुनाना ही होगा, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारी बेटी पंखुड़ी या फिर मैं? मेरी बेटी पंखुड़ी। क्या? नमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भैया को पता चल गया तो? किससे बात कर रही थी फोन पे? मेरी फ्रेंड थी भैया। दिखाओ। भैया मैंने कहा ना, मेरी फोन दिखाओ। भैया अच्छा तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे? तुमने ही नमन के साथ मिलकर पंखुड़ी का किडनैप करवाया ना, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। भैया क्या बोल रहे हैं आप, माना आप हमें पैसे नहीं देते, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल करूंगी, वो भी सिर्फ आपके पैसे के लिए। रौनक, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पुलिस को मत बुलाना। हमें यहां किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए, और हमें ये पता चल गया है कि पंखुड़ी का किडनैप किसने किया। चल सर, पर तक, अरे क्या कर रहा है? चल, अरे चल, कहां ले जा रहे हो मुझे? रोने, तुम्हारे घर के पीछे के सीसीटीवी फुटेज से साफ दिख रहा है कि किडनैपर कहीं बाहर से नहीं आया, तुम्हारे घर के अंदर से ही निकला। आप कैसे पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये मैंने किया? मिस्टर रौनक, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। तुम रात को करीब 1 बजे के आसपास उठे और जाके अंशिका को चेक किया कि सोई है कि नहीं। उसके बाद तुमने जैकेट पहनी, शूज पहने, खिड़की से कूदे और बच्ची को लेके निकल गए। और जब मैं तुम्हें लेने आया तो तुम्हारे जूतों के निशान विंडो पे थे। एक और बात, तुम्हारे घर में 2 औरतें हैं और सिर्फ 1 आदमी, और वो है तू। बताओ बच्ची कहां है? बता, बच्ची कहां है? रौनक, तुम मुझ पे शक करने का नाटक कर रहे थे जबकि तुम्हें मेरी बेटी को किडनैप किया है। ये सब करते हो तुम्हें शर्म नहीं है रौनक? बताओ, खटकती थी ना वो तुम्हें क्योंकि वो तुम्हारी खुद की बेटी नहीं थी। अरे एक बार बोल दिया होता मैं उसको लेकर के तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी रौनक? बताओ मेरी बेटी कहां है रौनक, बताओ। अंशिका प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता पंखुड़ी कहां है, मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसे नहीं बनेगा यादव जी, ऐसे लोगों में लेके जाओ, सच निकलवाना मुझे आता है। ये सब नहीं किया मैंने अंशिका, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने किडनैप नहीं किया। हेलो। हेलो, आप वर्षा बोल रही हैं? यस, आप कौन जी? आपने मुझे देखा था ना उस दिन बाइक पे जब नमन मुझे छोड़ने आया था। कौन थी वो? अरे म्यूजिक स्टूडेंट है मेरी। ओ या, आप उनकी म्यूजिक स्टूडेंट हो ना?
सच में लगता है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। व्हाट? सॉरी, तो कौन है आप? मैं उनकी वाइफ हूँ, और प्लीज उनसे दूर रहो। व्हाट? हेलो, पिकअप पिकअप पिकअप। ओके, बच्ची अगर जिंदा चाहिए तो एक घंटे में पैसे लेकर आओ। हाँ मैं। नवल, मम्मा तुम्हें लेने आ गए, लेकिन तुम्हारी डेड बॉडी को। मम्मा, अब तू मरेगी और तेरी लाश तक नहीं मिलेगी, और इसका सारा इल्जाम जाएगा रौनक पर। वो जेल में सड़ेगा और जिंदगी भर मैं उसकी दौलत पे ऐश करूंगी। बेटा आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? छोड़ छोड़ मेरा। जब रोनित के खिलाफ इतनी आसानी से इतने सारे सबूत मिल गए, तब मुझे लगा कि एक सोची समझी साजिश है रोनित को फंसाने के लिए, और तब मेरा शक तुम पर गया। अब आगे की स्टोरी तुम बताओगी या मैं उगलवाऊं? बोले बोल। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही अपनी बेटी का किडनैप किया, उस रात रौनित को लगा कि मैंने नींद की गोली खाकर मैं सो गई, लेकिन मैंने वही नींद की गोली रौनित के पानी में ढूंढ दी, और उसके सोने के बाद उसकी जैकेट पहनी शूज पहने और मैं घर की पिछली वाली खिड़की से निकल गई। और इन सब काम में तुम्हारा साथ दिया नमन ने। वर्षा और नमन एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात तुमको पहले ही से पता थी, इसलिए तुमने नमन को इस प्लान का हिस्सा बनाया। और जब तुम यहां पर आई, सारे सबूत मिटा कर आई, और तुम्हारे गुनाहों का एक ही गवाह नमन, उसको भी मार दिया तुमने। पैसे मिल गए और वो रौनक भी जेल में सड़ेगा। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। मगर मेरे बिना ये प्लानिंग परफेक्ट हो ही नहीं पाती। क्यों? जानते हो, मुझे ऐसा लगा था कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो, उस वर्षा के चक्कर में मुझे डबल क्रॉस ना कर दो। अरे मेरी जान, अपनी जान को भी कोई धोखा दे सकता है क्या?
वर्षा, मैं नमन की वाइफ हूं। मुझे लगा कि मैं नमन के मर्डर के इंजाम में वर्षा को फंसा दूंगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। मैंने संदेश को छोड़ा रौनित के पैसों के लिए, लेकिन रौनित मुझे अपने पैसों पे हाथ ही नहीं लगाने देता था। फिर मैंने नमन के साथ मिलकर और अपनी खुद की बेटी को किडनैप किया। मुझे लगा इस इंजाम में रौनित फंस जाएगा और वो जेल चला जाएगा और मैं उसके पैसों पे ऐश करूंगी। सब खत्म हो गया। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। प्लीज संदेश, प्लीज मुझे बचा लो। पंकुड़ी, प्लीज अपनी मम्मा को बचा लो, प्लीज। माँ अपनी बच्ची की जान लेने की कोशिश नहीं करती है, तुम माँ नहीं हो। चलो बेटा, चलो चलो। दुनिया के तमाम रिश्तों में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ जीवन देती है, भरण पोषण करती है। तो फिर ये कैसी माँ थी जिसने अपनी ही औलाद को जान से मारने की कोशिश की। दरअसल जिस इंसान के सर पर लालच हावी हो जाता है, जिसे रुपए पैसों से मोहब्बत हो जाती है, उसके लिए बाकी तमाम रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। अंशिका इस बात का जीता जागता सबूत है। ना पहले पति की हुई, ना दूसरे पति की, और ना ही अपनी सगी बेटी की। लेकिन लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब अंशिका जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। यहां तारीफ करनी होगी पुलिस की। अगर उन्होंने मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन न किया होता तो बेकसूर रौनित और संदेश की जिंदगी तो तबाह हो ही चुकी थी। अंशिका जैसे लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि जिंदगी में रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसलिए आप सबसे भी मेरी यही विनती है कि अपने अंदर लालच के राक्षस को ना पनपने दें। और अगर आपका कोई करीबी या सगा संबंधी रिश्तों से ज्यादा तरजीह पैसों को देता है तो जरा संभल जाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।